किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हम सभी परेशान क्यों हैं? दो ही कारण हैं। एक तो हमको तकदीर से ज्यादा चाहिए और दूसरा वक्त से पहले चाहिए। जिंदगी में कभी भी ये सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वो तुम्हें क्या सिखा कर गया। फूल ही फूल नहीं, जीवन में कांटे भी स्वीकार करें, कितनी भी कड़वी हो लेकिन सच्चाई से प्यार करें। खुश रहने के दो ही तरीके हैं, या तो हालात बदल दो या फिर अपने सोचने का तरीका बदल दो। वक्त भी ये कैसी पहेली दे गया, उलझने को जिंदगी और समझने को उम्र दे गया। गम बहुत है मगर खुलासा कौन करे, मुस्करा देता हूं यूं ही तमाशा कौन करे। आंगन में लगा बिस्तर, गिनते थे तारे कभी, शहर ने दी छत तो आसमान छीन लिया। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। दूसरों के घर जाकर पंचायत वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। एक बात सीखी है मैंने, अच्छी आदतें सीखने से मुश्किल है बुरी आदतों को छोड़ना। आप चाहे लाख भले बन जाए दुनिया की नजरों में, आईने में खड़ा शख्स आपको अच्छे से जानता है। परेशान वो है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं, और प्रसन्न वो है जो अपना मूल्यांकन स्वयं करते रहते हैं। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालिए, धूल हटती है तो ही आईना चमकता है। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं, और शातिर बगल में भी पहचाना नहीं जाता। पहले बड़ी आयु से सम्मान होता था, अब बड़े आय से सम्मान मिलता है। जान तक देने की बात होती है यहां पर, यकीन मानिए हुजूर, दुआ तक दिल से नहीं देते हैं लोग। ये मौत भी कितनी खूबसूरत होगी, जो इससे मिलता है कमबख्त जीना छोड़ देता है। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या पहन ली, वक्त तो पीछे ही पड़ गया मेरी। जरूरी नहीं चुभे कोई बात ही, बात न होना भी चुभता है बहुत। हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करते। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। सुंदरता मन की रखो, फेसवॉश से सिर्फ मुंह चमकते हैं दिल नहीं। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जमीन अच्छी है खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। रंगों से डर नहीं लगता, डर लगता है तो रंग बदलने वाले लोगों से। मित्र के साथ बैठना बहुत आसान है, परंतु खड़े रहना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ लिबास ही महंगा हुआ है जनाब, आदमी आज भी 2 कौड़ी का है। आज के लोगों को समझना मुश्किल है, क्योंकि लोग होशियार नहीं बल्कि शातिर है। बचत करने की आदत सी हो गई है, मैं अपना दर्द अब कम ही बांटता हूं। विश्व में कोई भी व्यक्ति पूर्ण संस्कारी नहीं है, मरने के बाद ही उसे अंतिम संस्कार मिलता है। पढ़ने वालों की कमी है, वरना गिरते आंसू भी एक किताब है। हजारों मिठाइयां चखी हैं जमाने में, खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं है। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। यूं तो ए जिंदगी
तेरे सफर से शिकायतें बहुत थी, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थी। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ लगाव और विश्वास है। दिल के तालों की चाबी लफ्ज में नहीं, लहजे में होती है। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। विश्वास में विष भी है और आश भी है, ये स्वयं निर्भर करता है कि क्या ग्रहण करना है। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, मगर हम गिनती उसकी करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको धोखा नहीं देता। इस अफसोस के साथ ना उठो कि कल आप क्या नहीं कर पाई, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज आप क्या कर सकते हो। रिश्ते और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की पहचान कराने आती है। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। देर से बनो, पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। दो पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ दो उसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। घड़ी की फितरत भी अजीब है, हमेशा टिक टिक कहती है, मगर ना खुद टिकती है और ना दूसरों को टिकने देती है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त कभी गवाह या सबूत नहीं मांगता, वो तो सीधा वार करता है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ूं कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहां बैठोगे सिंहासन वही बन जाएगा। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। मनुष्य ना तो मौसम है और ना ही तापमान, फिर भी ना जाने क्यों बदल जाता है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं दोस्तों, जिंदगी कोई मैगी नहीं जो दो मिनट में बन जाए। एकांत में भी गुनाह करने से बचे, क्योंकि इसका गवाह स्वयं परमात्मा होता है।
कितना मुश्किल होता है उस शख्स को मनाना जो नाराज भी ना हो और बात भी ना करें। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना होगा जो आपको भूल गए। बात लगाव और एहसास की होती है, वरना मैसेज तो कंपनी वाले भी करते हैं। जिंदगी भर याद रखना है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। कुछ लोगों को तो रंग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनका रंग तो खुद ब खुद बदलता रहता है। मैं जिंदगी से हारा हूं मगर जिंदगी मुझसे नहीं हारी है। देखा है बुरे से बुरा दौर मगर अब भी सफर जारी है। उस बद्दुआ से एक बार फिर भी बचा जा सकता है जो शब्दों से दी गई हो, पर उस बद्दुआ से बचना नामुमकिन है जो खामोशी से दी गई हो। बड़ा मुश्किल है जज्बातों को कागज में उतारना, हर दर्द महसूस करना पड़ता है यहां लिखने से पहले।